ध्यान देंगे बाबू। केमिस्ट्री के पार्ट थर्ड में हम देने जा रहे हैं आपको। अभी तक पार्ट वन में मैंने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में आपको दिखाया, और पार्ट टू में मैंने आपको जो है विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया दिखाया। अब पार्ट थ्री में जो है हम आपको पार्ट थ्री में उदासीनीकरण अभिक्रिया दिखाने जा रहे हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले देखिए कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्या या उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप सीधा सा बात समझें, इसको सीधी सी अर्थों में आप इसे इस प्रकार से समझें कि उदासीन, ध्यान देंगे, उदासीन, उदासीन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ नहीं, तेज नहीं, मध्यम कुछ नहीं, यही हुआ उदासीन, आप समझें। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पूरी तरह से लवण और जल, यानी आप जानते हैं कि जब अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया के पश्चात जो निर्माण होता है वो उत्पाद कहलाता है। उत्पाद में जब लवण और जल, लवण और जल का निर्माण होता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या उदा तो दूसरी बात अभी तुरंत जो द्विविस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ा, हम उसी के साथ जोड़ रहे हैं कि जब कोई द्विविस्थापन अभिक्रिया, ध्यान देंगे, जब कोई द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच हो, जब कोई द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच में हो तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझ रहे हैं, जब कोई द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच में हो तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सी बात जानना है, जब कोई द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल एवं क्षार के बीच होती है तो उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम आते हैं, जैसे लीजिए HCl plus NaOH is equal to, बना दीजिए NaCl plus H2O, ठीक है। अब देखिए HCl क्या कहलाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये क्या हुआ अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षारक, ध्यान देंगे अम्ल और क्षारक। अगर द्विविस्थापन पर आप जाएंगे तो देखिए हाइड्रोजन से क्लोरीन अलग होके इसके साथ और हाइड्रोक्साइड इसके साथ जलहो बनाता है, कहें ना कि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब कोई द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है अम्ल और क्षारक के बीच होती है तो उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे अर्थों में आप इसे इस प्रकार से कहते कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार, ध्यान देंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार संयोग करके लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है तो क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। बात ध्यान देंगे, जब कोई अभिक्रिया अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब कोई द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच होती है तो उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको जैसी इच्छा हो उस हिसाब से परिभाषा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम कि जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के पश्चात लवण और जल का निर्माण होता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे अर्थ में इसे इस प्रकार से कहते हैं, जब कोई द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच होती है तो उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। HCl अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, दोनों के बीच अभिक्रिया हुआ तो NaCl लवण और H2O जल बनाया है, बनाया ना। दूसरा उदाहरण अगर देखना चाहते हैं तो देखिए HNO3, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल, तो देखिए ये हो गया क्या, नाइट्रिक अम्ल, और इसको करा दीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्षारक, ध्यान दें। अब देखिए
HNO3 प्लस KOH जब बन गया तो क्या बना जानते हैं, KNO3 KNO3 प्लस H2O हो गया। अब देखिए ये हो गया लवण और ये क्या बन गया जल। यानी ध्यान दे, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वैसी विस्थापन अभिक्रिया, वैसी द्विविस्थापन या उभय विस्थापन, वैसी द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार के बीच में होती है तो उसे हमको लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ रहे हैं? तो आपको इस केमिस्ट्री के पार्ट थर्ड में आपने देखा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, आपने देखा विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, और उसके बाद ये क्या देखा पार्ट थर्ड में आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया। इतने चीज़ों को आपने देखा, इसको देखिएगा, और हम यही कहेंगे कि पार्ट थर्ड में इसको हमने दिया है, और हम फिर यही कह रहे हैं कि आप जो है निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी भरपूर मदद कर सकें, और हम जो आपका मदद करें आप भी उस जो है सेवा का भरपूर आनंद उठाएं, लाभ उठाएं। निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।